नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। सवाई माधोपुर में रामनवमी के शुभ अवसर पर सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय पर भव्य विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। रेलवे स्टेशन स्थित राम जानकी मंदिर से दोपहर के समय 12:15 बजे के आसपास वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच विशाल शोभा यात्रा की रवानगी हुई। राम जानकी मंदिर से प्रारंभ हुई शोभा यात्रा सिटी मॉल, टोक बस स्टैंड, बजरिया स्थित मुख्य बाजार से गुजरते हुए शर्मा होटल व पुरानी ट्रक यूनियन से होते हुए एमपी कॉलोनी चौराहा, अंबेडकर सर्किल, गौतम आश्रम, टोंक रोड, अग्रसेन सदन, गणेश होटल, हमीर ब्रिज से गुजरते हुए रणथंभौर सर्किल, मंडी रोड, आलनपुर, भैरू दरवाज़ा के साथ ही शहर के मुख्य बाजार से होते हुए अंत में राजबाग मैदान पहुंची। यहां पर बखूबी शोभा यात्रा का समापन हुआ। शोभा यात्रा में शामिल 51 झांकियां, 31 घोड़ियां, 11 ऊंट गाड़ियां और 5100 दोपहिया वाहन सहित सैकड़ों दो चौपहिया वाहन एवं ऊन पर लगे भगवा रंग के हजारों झंडे पूरी शोभा यात्रा में मुख्य आकर्षण का केंद्र रहे। हेलीकॉप्टरों से राम भक्तों पर पुष्प वर्षा हुई। शोभा यात्रा में हेलीकॉप्टरों का भी विशेष आकर्षण रहा, जिसके द्वारा राम भक्तों पर आसमान से 500 किलो से अधिक फूल बरसाए गए। एक और जहां एक हेलीकॉप्टर ने चकचहलपुरा हवाई पट्टी से उड़ान भरी, वहीं दूसरे हेलीकॉप्टर ने शेरपुर हेलीपैड से आसमान का रुख किया। इस दौरान चकचैनपुरा हवाई पट्टी से भाजपा नेत्री व प्रदेश कार्य समिति सदस्य आशा मीणा ने हेलीकॉप्टर से राम भक्तों पर पुष्प वर्षा की। शोभा यात्रा के दौरान भाजपा नेत्री व प्रदेश कार्य समिति सदस्य आशा मीणा द्वारा शोभा यात्रा को भव्यता प्रदान करने के लिए 2 हेलीकॉप्टरों की व्यवस्था की गई थी, जिनके जरिए शोभा यात्रा में शामिल राम भक्तों और श्रद्धालुओं पर आसमान से पुष्प वर्षा की गई। इस दौरान शांति सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था को बरकरार रखने के लिए पर्याप्त पुलिस जाब्ता भी तैनात रहा। बजरिया से लेकर सवाई माधोपुर शहर तक चप्पे चप्पे पर पुलिस की मौजूदगी दिखाई दी। कुल मिलाकर सवाई माधोपुर में आयोजित शोभा यात्रा ऐतिहासिक रही, जिसमें तकरीबन 20-22 हज़ार लोग शामिल हुए। शोभा यात्रा के दौरान पूरा सवाई माधोपुर जहां भगवा रंग में रंगा नजर आया, वहीं आसमान से भी भगवान श्री राम के गगनभेदी जयकारे गूंजते रहे। शहरी क्षेत्र में महिलाओं का उत्साह देखने लायक था। शोभा यात्रा में महिलाएं भी पुरुषों के साथ सिर पर साफा बांधकर और कंधे से कंधा मिलाकर स्कूटियों व बाइकों पर सवार होकर निकली और जय श्री राम का जमकर जयघोष किया। सांसद जौनपुरिया सहित कई राजनेता मौजूद रहे। शोभा यात्रा के दौरान टोक सवाई माधोपुर सांसद सुखवीर सिंह जौनपुरिया, पूर्व संसदीय सचिव जितेंद्र गोठवाल भी मौजूद रहे। सांसद शोभा यात्रा के दौरान हाथ भगवा ध्वज और जय श्री राम के नारे लगाते हुए दिखाई दिए। इसी के साथ शोभा यात्रा में कई जनप्रतिनिधि, राजनीतिक व सामाजिक संगठनों के लोग उपस्थित रहे।